रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी और वीडियो लाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन है वो भी प्रेस कीजिएगा। और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप थम्स अप यानी लाइक बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। तो आज के वीडियो में खास होने वाला है, इसमें बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं। तो बॉलीवुड के कौन कौन से स्टार मनाली आ रहे हैं और कब आ रहे हैं उनके बारे में मैं डिटेल से जानकारी दूंगा। गुलाबा की जो लेटेस्ट स्थिति क्या है और गुलाबा का जो ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, मनाली की जो ताज़ा स्थिति यानी टेम्परेचर क्या है, और इसके अलावा आगामी स्नोफॉल के बारे में भी बताऊंगा और तापमान भी बताने वाला हूं, और साथ में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कल के स्नोफॉल के बाद मनाली के अंदर लाइट एक्शन कैमरा आदि शब्द गुंजयमान होने वाले हैं, और यदि आप इसके साक्षी बनना चाहते हो तो आप चले आइएगा मनाली। मनाली बॉलीवुड के सितारों से सजने वाली है। आपको बता दें कि मनाली के अंदर एक नहीं दो नहीं तीन तीन सितारे यहाँ आने वाले हैं। उनका नाम मैं बोलूँ, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन। तो उनकी जो तारीख में आपको बता दूं, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट है 25 नवंबर को पहुंचने वाले हैं, और 2 दिन के पश्चात इस सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन है वो 27 नवंबर को मनाली पहुंचने वाले हैं। और जो यहाँ के जो आउटडोर की शूटिंग है या इंडोर की शूटिंग है वो पूरी कर ली गई है, और संबंधित जो शूटिंग की जो अनुमति लेनी होती है वो सब अनुमति ले ली गई है, और ठहरने की व्यवस्था है वो भी हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस फिल्म का संबंध में कयास लगा रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ कि निश्चित रूप से स्नोफॉल से रिलेटेड होना चाहिए या स्नो से रिलेटेड होना चाहिए, तभी ये आए हुए हैं। और हो सकता है कि ये फिल्म रोहतांग पास के आसपास शूट हो, क्योंकि अनुमति का चांसेस तो तभी ही होता है, नहीं तो अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुलाबा के आसपास होती है, ये मेरे कयास हैं। तो ये खबर आपको कैसी लगी तो ज़रूर इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और साथ में बता दें कि मनाली यदि आप आ रहे हैं इस स्नोफॉल देखने या स्नो को, तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं आई बटन पर उसको लगा रहा हूँ, ज़रूर आपको देखिएगा, आपके फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। साथ में बता दूं कि मनाली दिल्ली से मनाली और मनाली से ले लद्दाख है वो एक ट्रेन से जुड़ने वाला है। यदि आपके इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा यदि आप कमेंट ज़्यादा करेंगे। मैंने इस नवंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर जो स्नोफॉल होगा उसका प्रिडिक्शन किया हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा। और उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये कल और परसों जो स्नोफॉल हुआ था 22-23 को, यदि हो जाता है तो ये स्नोफॉल जो इस सप्ताह नवंबर का अंतिम सप्ताह है वो आपको स्नोफॉल की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं आज बता रहा हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो को मैं आई बटन पर लगा रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, और वो स्नोफॉल निश्चित रूप से होने वाला है। उसमें 3 दिन बताए गए हैं, जो फर्स्ट वाला दिन है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड है वो दिन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसमें गुलाबा की ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं, तो ये ताज़ा तस्वीरें गुलाबा की है, और गुलाबा के अंदर इतनी स्नो है, अभी स्नो कम पिघल रही है, मौसम इस प्रकार का बना हुआ, धूप नहीं है, तो इसकी वजह से लोग जो टूरिस्ट है वो एन्जॉय कर रहे हैं। आप भी यदि आना चाहते हैं बर्फ़ देखने के लिए और बर्फ़बारी देखने के लिए, तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा इस अंतिम सप्ताह में कब स्नोफॉल हो रहा है। और आपको बता दें कि आज टूरिस्ट इतने आए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूरिस्ट आए, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम लगा, और ट्रैफिक जाम में काफ़ी लोग, क्योंकि जब भी इस खबर हो जाती है कि स्नो गिरा है मनाली में, तो लोग देखने के लिए और वैसे ही अपनी जो प्रदूषण का लेवल है अपनी राजधानी के अंदर बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग हैं वो वीक एंड पर यहाँ आ जाते हैं, नज़दीक ही पड़ता है। और
आप मनाली का टूर संबंधित एक मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल से बनाया है कि आप कहाँ रुके, क्या खाएं, पूरा कंप्लीट पैकेज इसमें बताया गया है। आप चाहें तो मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यह है सोलांग वैली का शानदार नज़ारा, लेटेस्ट नज़ारा है, और यहाँ आपको स्नो नहीं देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ स्नो है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं आपको एटीवी राइड करके बताऊंगा कि सोलांग वैली की स्थिति क्या है। ऊपर से है लेकिन नीचे बर्फ नहीं है, और कल जो ये बादल, कल का ये दृश्य है, तो यहाँ ऊपर बादल थे, ऊपर की साइड स्नो है, नीचे बर्फ नहीं है। तो ये शानदार नज़ारा सोलांग वैली मनाली से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तो ऊपर स्नो आपको, यदि आप रोपवे से जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ की यात्रा ज़रूर कीजिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि और कहाँ कहाँ, रोहतांग पास तो अब बहाल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यदि आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो वो संभावना अब नहीं रहेगी। और एक रोहतांग टनल के बारे में बताऊं तो वो 25 नवंबर के बाद रोहतांग टनल है, वो भी बंद होने वाली है। और साथ में बता दें कि किन्नौर के अंदर भी ये जो चोटियों पर स्नोफॉल हुआ है, और उसके कारण है वो, यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ का ट्रैफिक है वो भी रुका हुआ है कहीं भी। और इसके अलावा चंबा के अंदर भी स्नोफॉल होने के हमें समाचार प्राप्त हुए हैं। और अंत में आपको मैं तापमान बता देता हूँ, तो यहाँ माइनस में चला गया केलांग के अंदर, और कल्पा का 3 डिग्री, मनाली का 3 डिग्री, डलहौजी का 4 डिग्री, कुफरी का 5, धर्मशाला का 8 डिग्री, और शिमला का 10 डिग्री तापमान है। तो ये वीडियो आपको शायद पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।